जी क्या समाचार लाए? प्रभु मैंने रावण को नीति के चारों अंग साम दाम दंड भेद से समझाया, परंतु वो बड़ा हट्टी और अभिमानी है। अतः मैंने अपने पैर को भूमि पर जमाया, जिसे आपके प्रताप से कोई भी वीर हिला ना पाया। अंगद जी हमें आपसे ऐसी ही आशा थी। अच्छा तो अंत में क्या परिणाम निकला? प्रभु जब वो नीति के मार्ग पर ना आया तो मैं युद्ध की घोषणा करके चला आया। सुग्रीव जी, विभीषण जी, आपने अंगद जी के द्वारा शत्रु का समाचार भली भांति सुन लिया है। अब युद्ध की व्यवस्था की जाए। प्रभु मेरे विचार से अपनी सेना को चार भागों में बांट लेना चाहिए। दक्षिण के सेनापति हनुमान जी, पूर्व के विभीषण जी और उत्तर के युवराज अंगद जी, और पश्चिम दिशा के होंगे श्री लखनलाल जी। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु अब अधिक विलंब ठीक नहीं। चारों ओर से एक साथ आक्रमण कर चारों दरवाजे तोड़कर लंका में प्रवेश करना चाहिए। मेरे वीरों, दो ही प्राणी मेरे परम धाम को जा सकते हैं, एक तो योगी और दूसरे रण क्षेत्र में प्राण विसर्जन करने वाला। अतः अपने प्राणों का मोह त्याग कर आप सब लंका पर आक्रमण कर दो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
मैंने सुना है कि वानर सेना ने चारों दरवाजे तोड़कर लंका में प्रवेश कर लिया है। जाओ उन सबको पृथ्वी पर सुला दो। पुत्र मेघनाथ तुम भी जाओ और उस छोटे तपसी को सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दो। जो आज्ञा पिताश्री। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। छोटे तपसी, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, है हाथ नहीं मिष्ठानों का। वह सूर्य नखा की नाक नहीं, पीछाना बाली वानर का है। ये शिकार नहीं श्रवण का है, लोहू ये लंकेश्वर का है। लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, बदला लेने को भड़की है। हाँ 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 हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के गौमंडल के संतापों का। हो सावधान। ये लौट जाओ घर को, खुश है घर ना छोड़ने में। अन्यथा तारका वध वाला अभिमान चूर हो जाएगा, घर दूषण तृष्णा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजा लहू से अब जीव भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत झलु पे शायद जग जीत चल रहा है। ओ सावधान। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, फिर उसे प्राण गवाता है। जो ही वह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज ना बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखनजीत कहलाएगा। जितने हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हार ही मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सिर झुका हमारा है। जय ब्रह्मा। Ah!
शक्ति के लागे तब चली गए निकट भय त्यागे तब चली गए निकट भय त्यागे भैया लक्ष्मण हाय विधाता ये क्या हुआ जब लखन नहीं तो राम कहां जब राम नहीं तो विजय कहां जब विजय नहीं तो सीता को रावण के बंधन से कैसे मुक्त कराऊंगा भैया लक्ष्मण नेत्र खोलिए हे जामवन जी हे विभीषण जी कोई उपाय हो सकता है तो बतलाइए हे प्रभु लंका में सुषेण नाम का वैद्य रहता है जो वृत संजीवनी विद्या को जानता है यदि वो यहाँ आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं परंतु संशय ये है कि लंका में जाएगा कौन हे हनुमान जी आगे भी आपने मेरे कार्य साधे हैं यह कार्य करके मुझे अपना ऋणी बना दो हे प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ मैं जाता हूँ और सुषेण वैद्य को अभी लेकर आता हूँ हे विभीषण जी मुझे सुषेण वैद्य का पता बताइए हनुमान जी लंका के चौराहे पे दाई ओर राजमहल के पीछे उनका निवास है अब आप जाइए और शीघ्र उन्हें लेकर ही आइए जय श्री राम अरे अरे मैं ये कहां आ गया हे वैद्यराज जी आप कृपा करके कोई ऐसी औषधि बताइए जिससे मेरे भैया के प्राण बच सके क्षमा करें महाराज मैं रावण का राज वैद्य हूं और शत्रु का उपचार करना अधर्म है क्या आप मुझे आज्ञा देते हैं कि मैं अधर्म करूं हे वैद्यराज जी जिस धर्म हेतु निज राज गया श्री पितृदेव का मरण हुआ जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा सीता प्यारी का हरण हुआ उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए आवाज यही होगी अपनी हाँ धर्म नहीं जाने पाए प्रभु आप तो धर्म के अवतार हैं यह तो केवल मेरी एक बात थी मैं सदा युद्ध में धर्म का साथ दूंगा मैं अभी लक्ष्मण जी की नाड़ी परीक्षा करता हूँ चोट गहरी है यदि आपकी सेना में कोई ऐसा वीर है जो सूर्य निकलने से पूर्व द्रोणागिरी पर्वत से
मृत संजीवनी औषधि ला सकता है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह कार्य मैं करूंगा। हे वैद्यराज, आप मुझे उस बूटी की कुछ पहचान बताइए। जिस स्थान पर वह बूटी उगती है वह स्थान रात्रि के समय प्रकाशित रहता है। हे वीर हनुमान, अब रघुकुल की लाज आपके हाथों में है। हे नाथ, मैं अभी जाता हूँ और संजीवनी बूटी को लेकर आता हूँ। जय श्री राम। युवराज इंद्रजीत की जय। युवराज मेघनाथ की जय। पिताजी जय शंकर की जय। शंकर जी, पिताजी आपके आशीर्वाद से आज मैं रामा दल पर विजय प्राप्त करके आ रहा हूँ। आज चारों दिशाओं में लंका का डंका बज रहा है। मैंने उस छोटे तपसी लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर उसे मूर्छित कर दिया है। कल प्रातः तक आपको उसकी मृत्यु का समाचार मिल जाएगा। पुत्र मेघनाथ, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम वास्तव में बलधाम हो। लक्ष्मण को मारने वाले केवल तुम ही हो। लंका को तुम्हारे जैसे युवराज पर गर्व है। मेरे वीरों, विजय के उपलक्ष्य में खुशियां मनाओ। पिताजी अभी क्या है, देखते जाइए। मैं लंका के शत्रुओं को सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दूंगा। क्यों नहीं पुत्र, हमें तुमसे ऐसी ही आशा है। तुम राम पर भी विजय प्राप्त कर लंका का नाम उज्जवल करोगे। महाराज, महाराज, रामादल में लक्ष्मण के रोग का उपचार किया जा रहा है। क्या उपचार किया जा रहा है? हाँ महाराज, संजीवनी बूटी लेने हनुमान द्रोणागिरी पर जा रहे हैं। यदि वे प्रातः काल से पहले पहुंच गए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। नहीं, कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकता। मैं अभी कालनेमी के पास जाता हूँ, वही संकट में इस समय सहायता कर सकता है।